आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे किस तरह से आप वीडियोस को इंसर्ट कर सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन टॉपिक्स को इस वीडियो में मैं कवर करूंगी उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है कि आप इंसर्ट कैसे कर सकते हैं लोकल वीडियोस को या ऑफलाइन वीडियोस को, एंड देन आप ऑनलाइन वीडियोस को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। तो लोकल वीडियोस वो होती हैं जो आपके पीसी में ऑलरेडी सेव्ड होती हैं, उसको हम लोकल वीडियो कहते हैं। और लोकल वीडियो को इंसर्ट करने के लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने जो इंसर्ट करना है वो विंडो मीडिया प्लेयर करना है। तो मैंने जो विंडो मीडिया प्लेयर को इंसर्ट करना है वो पेज के सेंटर में करना है। तो मैं यहाँ से इसकी अलाइनमेंट सेंटर में कर लूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन मैंने फाइल के ऊपर क्लिक करना है एंड ऑप्शंस को मैंने क्लिक करना है। यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है कस्टमाइज रिबन को, एंड देन यहाँ से मेन टैब्स आपको लिखा हुआ नजर आएगा, इसमें आपने डिवेलपर को इनेबल करना है। तो डिवेलपर को यहाँ से मैं चेक मार्क करके ओके के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ऊपर जो है वो डिवेलपर की ऑप्शन आ चुकी है, जो डिवेलपर का टैब है मेरे पास आ चुका है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी। एंड देन यहाँ पे कंट्रोल्स का ग्रुप आपको नजर आएगा, इसमें आपने सबसे लास्ट पे देखनी है ऑप्शन लेगेसी टूल्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। एंड देन लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे मोर कंट्रोल्स, आपने इसके ऊपर भी क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपने चूज़ करना है विंडोज़ मीडिया प्लेयर, जो कि थर्ड लास्ट पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे आपने चूज़ कर लेना है विंडोज़ मीडिया प्लेयर, एंड देन आपने ओके के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपका विंडोज़ मीडिया प्लेयर तो आ चुका है। यहाँ से इसकी विंडो का साइज़ है वो आप यहाँ से इसको रिसाइज कर सकते हैं। तो इसकी जो विड्थ है वो मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ। तो ये मेरे जो सेंटर में जो कि मैंने किया हुआ था तो वो सेंटर में ही अलाइन हुआ है। अब इसमें आपने कौन सी वीडियो इंसर्ट करनी है, कौन सी वीडियो है जो आप डिस्प्ले करना चाह रहे हो, तो अब आपने इस विंडो मीडिया प्लेयर की प्रॉपर्टीज़ को ओपन करना है। तो विंडो मीडिया प्लेयर की प्रॉपर्टीज़ को ओपन करने के लिए फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है, आप कंट्रोल्स में जा सकते हैं और यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टीज़ है। सेकंड ये है कि आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है इस विंडोज़ मीडिया प्लेयर के ऊपर, एंड देन आपको प्रॉपर्टीज़ की ऑप्शन नज़र आएगी, आपने इसके ऊपर सिंगल क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नज़र आएगा कस्टम, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जो बटन नज़र आएगा आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से आपने उस वीडियो की लोकेशन को ब्राउज कर लेना है जिस वीडियो को आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं। देन आपने ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और उस वीडियो को चूज़ कर लेना है जो आपने इंसर्ट करनी है। तो मैंने यहाँ से वीडियो को सिलेक्ट कर लिया, एंड देन मैं ओके के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। देन आपने एडवांस टैब के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने विंडोलेस वीडियो को इनेबल करना है, एंड देन आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। ये जो प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग बॉक्स था इसको मैं क्लोज कर रही हूँ, एंड देन आपने यहाँ से डिज़ाइन मोड को डिसेबल कर देना है। आपने इसके ऊपर सिंगल क्लिक करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरी जो वीडियो है वो प्ले होना स्टार्ट हो चुकी है। इसको आप पॉज कर सकते हैं यहाँ से, जैसे विंडो मीडिया प्लेयर की जो फंक्शनैलिटी है सेम एज इट इज़ इसकी यहाँ पे होगी, आप वीडियो को यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ से इस वीडियो को जो है मैंने स्टॉप कर दिया है। आपने इंसर्ट तो कर लिया लोकल वीडियो, बट जब आप ये डॉक्यूमेंट किसी को सेंड करेंगे तो वो इस वीडियो को प्रीव्यू नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपकी लोकल वीडियो है। तो सेकंड मेथड में क्या होगा कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, देन इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टेक्स्ट ग्रुप नज़र आएगा, यहाँ पे आपके पास लास्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट की, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट फ्रॉम फाइल के ऊपर। यहाँ से आपने ब्राउज कर लेनी है लोकेशन जहाँ पे आपने वो वीडियो को सेव किया हुआ है। तो मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ था। अगेन मैं इस वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट करूँगी, एंड देन इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। यहाँ से मेरी लोकेशन तो ब्राउज हो चुकी है। अब टू ऑप्शन है आपके पास, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। लिंक टू फाइल है, मीन्स कि आप सिर्फ फाइल का लिंक देना चाहते हैं, या डिस्प्ले एज आइकन, मीन्स कि आपकी जो वीडियो है उसका कोई आइकन शो हो जाए जिसके ऊपर यूज़र क्लिक करो और वो वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाए। तो मैं डिस्प्ले एज आइकन कर रही हूँ, यहाँ से मैं इसको ऊपर चेक मार्क कर रही हूँ। आप चेंज आइकन कर सकते हैं, बट मैंने इसको चेंज नहीं करना, ओके के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे आइकन आ चुके हैं। अब इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगी तो मेरी जो वीडियो है वो जो भी मेरा बाय डिफ़ॉल्ट वीडियो प्लेयर होगा उसमें ये ओपन हो जाएगा। तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पे वो परमिशन मांग रहा है कि आपकी MP4 की फ़ाइल है, आप इसको ओपन करना चाहते हो या नहीं। तो मैंने ऑफकोर्स इसको ओपन करना है, तो मैं ओपन के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। और यहाँ पर चूँकि मेरा फिल्म्स एंड टीवी जो थी ऐप वो बाय डिफ़ॉल्ट वीडियो प्लेयर के लिए, यहाँ पे मेरा जो वीडियो है वो चलना स्टार्ट हो गया। अगेन इसको मैं यहाँ से स्टॉप कर देती हूँ एंड इसको क्लोज कर देती हूँ। तो ये आपके पास टू मेथड्स थे जिनके थ्रू आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में वीडियोस को ऐड कर सकते हैं जो आपकी लोकल वीडियोस हैं। अब अगर आपने ऑनलाइन वीडियोस ऐड करनी है तो वो आप किस तरह से करेंगे,
अगेन यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ सेकंड पेज पे, और यहाँ पे मैंने इंसर्ट करनी है अपनी ऑनलाइन वीडियो। तो ऑनलाइन वीडियो के लिए आपने अगेन इसका यहाँ से आप चूज़ कर लें कि आपकी अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए। मैं होम पे जा रही हूँ और कर्सर आपने वहाँ पे क्लिक कर लेना है जहाँ पे आपने वीडियो को इंसर्ट करना है। मैं सेंटर में की अलाइनमेंट इसकी कर रही हूँ, एंड देन अगेन इंसर्ट टैब के ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ऑनलाइन वीडियो की, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इंसर्ट अ वीडियो का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। एंटर द यूआरएल, तो यूआरएल आपके पास क्या है कि जो भी वीडियो ऑनलाइन है उसका एड्रेस आपने यहाँ पे सेव करना है। तो मैं इसको यहाँ से कर लूँगी, मैंने ऑलरेडी जो है एक वीडियो ओपन की हुई है। इस वीडियो का मैं चाह रही हूँ कि इसको मैंने इंसर्ट करना है वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो मैंने क्या करना है, ब्राउज़र की एड्रेस बार के ऊपर जाना है, ये ब्राउज़र की एड्रेस बार है, और यहाँ से इस एड्रेस को कॉपी कर लेना है। आप यहाँ पर इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर शॉर्टकट की से कंट्रोल सी कर रही हूँ। एंड देन अगेन वर्ड पे आना है, और यहाँ पे आपने इसका एड्रेस यूआरएल जो है वो पेस्ट कर देना है। मैं यहाँ पे कंट्रोल वी से काम कर रही हूँ, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट भी कर सकते हैं। देन आपने इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपके पास आ चुके हैं, आपके जो ऑनलाइन वीडियो है वो भी इंसर्ट हो चुके हैं। अब इसका साइज़ जो है आप उसको भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। मैं इसका साइज़ रिड्यूस कर रही हूँ, इसकी विड्थ को भी कर लेते हैं। अब आप इस वीडियो को प्ले कैसे करेंगे, ये जो आपको प्ले का बटन नज़र आ रहा है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। सिंगल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस वीडियो का प्रीव्यू नज़र आएगा, यहाँ पे आपकी वीडियो जो है वो प्ले होना स्टार्ट हो गई है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ये जो वीडियो है ये ब्राउज़र में ओपन हो, तो आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है इसी सेम वीडियो के ऊपर, तो आपकी जो वीडियो है वो ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। यहाँ से वन इसका टैब क्लोज कर रही हूँ, टू टैब्स ओपन हो चुके थे, तो इसके लिए आपका इंटरनेट होना लाजमी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी जो वीडियो है वो भी ओपन हो चुकी है। तो इस तरह से आप ऑनलाइन वीडियोस और ऑफलाइन वीडियोस को इंसर्ट कर सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो इससे ये होता है कि आप सेम फाइल में, सेम डॉक्यूमेंट में आप टेक्स्ट फाइल्स को भी सेव कर सकते हैं, और साथ ही आप अपने वीडियो लेक्चर्स को भी सेव कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने सीख लिया है किस तरह से आप लोकल वीडियोज़ को इंसर्ट कर सकते हैं, मीन्स ऑफलाइन वीडियोज़ को, और किस तरह से आप ऑनलाइन वीडियोज़ को इंसर्ट कर सकते हैं।